नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 19 नवंबर से शुरू हो रही है, जिसकी लास्ट तारीख 8 दिसंबर तक, यानी 8 दिसंबर तक आपके पेपर चलेंगे। तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी होगा कि आपको जो पेपर हैं वह जो अर्धवार्षिक के पेपर हैं वह कहाँ कहाँ से कितना सिलेबस आना है। तो हम इसी वीडियो में पूरा वह सिलेबस आपको बताने वाले हैं कि आपका किस किस विषय में कितना कितना सिलेबस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, जिससे आप अपनी अर्धवार्षिक की परीक्षा जारी रख सकें। तो आपको लिए सबसे पहले बता दें कि जो आपके जो अर्धवार्षिक के पेपर हैं वह जो है यूट्यूब पर अब लीक नहीं होंगे, वायरल नहीं होंगे, आपके लिए कोई नहीं बताएगा। जितने भी यूट्यूब पर पेपर बताए जा रहे हैं या बताए जाएंगे वह फेक और मॉडल पेपर ही होंगे, इसलिए आपको उन पर विश्वास नहीं करना है। और आपकी जो तैयारी है वह मेरे बताए गए सिलेबस के द्वारा अति मेहनत करके, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए करना है। तो चलिए हम पहले आपके लिए बता दें कि हिंदी विषय में आपके लिए क्या क्या आना है। दिसंबर तक की जो आपका कोर्स आपके लिए MP बोर्ड द्वारा जारी किया गया, यानी करना चाहिए था आपके लिए कम्प्लीट, उतने में से ही आपका अर्धवार्षिक का पेपर आना है। क्षितिज भाग एक जो आपकी पुस्तक है उसमें गद्य खंड में जो है मेरे बचपन के दिन महादेव जी वर्मा इधर तक आना है। और कृति का जो पद्य खंड है चंद्रमा गहना से लौटती बैर केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, मेघ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो इधर लास्ट चैप्टर है जो आखिरी की इधर तक आना है। बाकी का जो कोर्स हट गया है वह नहीं आना है। कृतिका में जो है आपका है माटी वाली विद्यासागर द्वारा नटियाल द्वारा जो आपका लिखा गया है यह चैप्टर इधर तक आना है, यानी ये लास्ट चैप्टर है इधर तक पूरा एक से लेकर पूरा इतना आना है। व्याकरण भी आनी है। और आपके लिए बता दें अब आगे जो आपका हिंदी का पेपर है या इंग्लिश का पेपर है कोई भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंग्लिश में आपके जो चैप्टर हैं दी यूनिट दी बॉन्ड ऑफ लव दी स्नेक ट्राइंग, तो जो आपका बुक है जो आपकी उसमें से आना है इंग्लिश की, और जो दो बुक हैं सप्लीमेंट रीडर उन पूरे में से आना है। आप देख लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। चैप्टर 10 काठमांडू असलम इन्हीं आपके लिए जो इंग्लिश में है चैप्टर 11 तक कोर्स आना है। आपकी पुस्तक दोनों खोलकर जो है आपकी फुटप्रिंट ये जो सिलेबस में है दोनों उनमें आप स्क्रीन शॉट लेकर मिला लीजिए कितना कोर्स आना है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो गणित है, गणित में कितना चैप्टर आना है। दिसंबर तक आपका कोर्स कराया गया है जितना, तो गणित में आपका है जो अध्याय 11, यानी अध्याय 11 लगभग आपके 15-16 चैप्टर हैं, तो उनमें से चार लगभग चार या दो जो आपके कोर्स में से जो हट गया है वह नहीं आएगा, और पूरा एक से लेकर अध्याय 11 तक पूरा जो कोर्स है आपके लिए आना है। इसलिए आपके गणित में पूरे के पूरे अध्याय जो 11 अध्याय हैं उनकी तैयारी आपके लिए पक्का कर लेना है। अब देख लेते हैं क्या विज्ञान में, तो विज्ञान में आपके लिए क्या आना है, कहाँ तक आना है, अध्याय 12, यानी एक से लेकर अध्याय 12 तक आपके लिए विज्ञान में पूरी तैयारी कर लेना है अर्धवार्षिक के लिए। अब इतिहास यानी जो आपकी सामाजिक विज्ञान है उसमें क्या आना है, इतिहास में अध्याय 4 तक, अध्याय भूगोल में अध्याय 5 तक, और जो अर्थशास्त्र है उसमें अध्याय 4 तक आना है, और इतिहास राजनीति में अध्याय 4 तक आना है। 4-4-5 इतने ही आपके जो चैप्टर हैं इतनी आपके लिए पूर्ण तरह कंप्लीट कर लेने हैं, इनकी तैयारी कर लेना है। संस्कृत में आपके लिए बता दें सिक्ता सेतु जटायु सूर्यम, यानी जो आखिरी जो आपका चैप्टर है जटायु सूर्यम, तो माने जो आपका जितना जहाँ जो भी चैप्टर है जटायु सूर्यम उधर तक एक से लेकर पूरा कोर्स आपके लिए संस्कृत में आना है। इंग्लिश में ग्रामर ज़्यादा आना है। इस प्रकार जो आपका है अर्धवार्षिक का पेपर आएगा और आपके लिए मेहनत करना है। और जो 9th का ब्लूप्रिंट है आपका, आपके लिए जो वार्षिक ब्लूप्रिंट है हमने इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, लिंक 9th का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका वार्षिक में क्या क्या आना है। तो उसी के हिसाब से आपके लिए इस पेपर की भी तैयार करनी है। लगभग पूरा कोर्स आना है 80-90% अर्धवार्षिक में, तो आपके लिए अर्धवार्षिक में अच्छी मेहनत कर लेना है, जिससे आपकी अर्धवार्षिक अच्छा रिजल्ट आएगा और वार्षिक की तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि आपकी जो मार्कशीट में है अर्धवार्षिक के और वार्षिक के नंबर दोनों के जोड़े जाते हैं। मुझे मालूम है कि आपका जो जितना कोर्स आना है पेपर में वह आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है इस चैनल पर मोस्ट IMP क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे,
तो आप उससे तैयारी करेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, इस चैनल पर क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे कक्षा 9 के लिए। तो इसलिए आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए जो आप इस चैनल को देख रहे हैं नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा से जुड़ी, परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक जानकारी सबसे पहले आपके लिए मिलती है और बहुत सी अच्छी बढ़िया से आपके लिए तैयारी होगी वार्षिक की इस चैनल द्वारा। और अगले वर्ष कक्षा 10 की जब आपकी शुरुआत हो जाएगी, तो आपकी मार्च से ही, अप्रैल से ही आपकी जो क्लासेस हैं इस पे बहुत ही बढ़िया IMP क्वेश्चन अपलोड किए जाने वाले हैं। कक्षा 10 की तैयारी आपकी अगले वर्ष की होगी, आपके लिए बताया जाएगा कि किस महीने तक आपके लिए कितना कोर्स करना है और आपके लिए मदद की जाएगी कि यह कोर्स कंप्लीट कब, कैसे करना है, कौन सी वीडियो देखकर करना है, और IMP क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, भविष्य के लिए बहुत काम में आएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी मेहनत जारी करें, परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लाएं, यही कामना करते हैं हम आपके लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।